फानम रून ऐतिहासिक पार्क। फानम रून हिस्टोरिकल पार्क थाईलैंड में एक पुरातात्विक स्थल है जो प्रसाद फानम रून थाई उच्चारण प्रसाद फानम के खंडहरों को कवर करता है, जो एक हिंदू खमेर साम्राज्य का मंदिर परिसर है जो 402 मीटर 1319 फीट की ऊंचाई पर एक विलुप्त ज्वालामुखी के किनारे पर स्थित है। ये थाईलैंड के ईशान क्षेत्र में बुरीराम प्रांत में स्थित है और इसे ऐसे समय में बनाया गया था जब श्री साकेत में खमेर सामाजिक राजनीतिक प्रभाव महत्वपूर्ण थे। इसका निर्माण 10वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बलुआ पत्थर और लेटराइट से किया गया था। ये शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर था और उनके स्वर्गीय निवास कैलाश पर्वत का प्रतीक है। फानम रूंग अभयारण्य परिसर का निर्माण इसके शिलालेखों के साथ साथ इसकी कला और स्थापत्य शैली की प्रतीकात्मकता के आधार पर कई चरणों में किया गया था। इनमें 10वीं सदी की पवित्र ईंटों से बनी इमारतों की दो नींवें, 11वीं सदी का छोटा अभयारण्य, 12वीं सदी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित केंद्रीय अभयारण्य और 13वीं सदी के दो बन्नालाइस पुस्तकालय शामिल है। 13वीं शताब्दी में राजा जयवर्मन सप्तम के शासनकाल में निर्मित अन्य पवित्र इमारतें, जिनमें शाही पोशाक बदलने वाला मंडप, नोन बुआ रे के कुडी ऋषि, चिकित्सा केंद्र या अस्पताल अरोकाय सिला और प्रसाद बानपू, आग वाला एक विश्राम गृह जहां यात्री मैदान में धर्मशाला में शरण ले सकते थे, अंकोर और फिमाई को जोड़ने वाली सड़क के किनारे फानम रून के तल पर, ये पहाड़ पर और उसके आसपास एक महत्वपूर्ण वाइस रीगल केंद्र का प्रमाण देते हैं जो 10वीं से 13वीं शताब्दी तक फला फूला। थाईलैंड के ललित कला विभाग ने 1971 से 1988 तक परिसर को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में 17 साल बिताए। 21 मई 1988 को पार्क को आधिकारिक तौर पर राजकुमारी महाचक्री सिरिंधोन द्वारा खोला गया था। 2005 में मंदिर को भविष्य के विश्व धरोहर स्थल के रूप में विचार करने के लिए यूनेस्को को प्रस्तुत किया गया था। फानम रूंग एक विलुप्त ज्वालामुखी है जो तापैक उप जिला चालो इम्फ्राकिया जिले बुरीराम में 386 मीटर 1266 फीट की ऊंचाई पर है। ये नाम खमेर से आया है जिसका अर्थ है बड़ा पर्वत। वास्तुकला, तीन स्तरीय निचली सीढ़ी के बाद पहला क्रूसिफॉर्म मंच है जो मुख्य मंदिर की पहली झलक देता है। दाहिनी ओर उत्तर की ओर फ्लैब फ्लाय या सफेद हाथी का घर है। ऐसा माना जाता है कि मंडप वह स्थान है जहां राजा और शाही परिवार अनुष्ठानों से पहले पोशाक बदलते थे। रॉयल्टी तब पार्क के सबसे प्रभावशाली तत्वों में से एक जुलूस वॉकवे में प्रवेश करेगी। यह 160 मीटर लंबा है और कमल की कलियों के शीर्ष वाले 70 बलुआ पत्थर के खंभों से घिरा है। वॉकवे स्वयं लेटराइट ब्लॉकों से पक्का है। पैदल मार्ग तीन नागा पुलों में से पहले की ओर जाता है। पांच सिर वाले सांप चारों दिशाओं का सामना करते हैं और 12वीं शताब्दी के हैं। ये पुल स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में बलुआ पत्थर से किया गया था। प्रांग नोई का केवल एक प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। दोहरे बरामदे सभी दिशाओं में ले जाते हैं। आंतरिक गर्भगृह में शिव का दिव्य प्रतीक लिंग हुआ करता था। वर्तमान में केवल सोमसूत्र ही बचा हुआ है जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान जल निकासी के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वारों पर हिंदू धार्मिक कहानियों को दर्शाने वाले विभिन्न लिंटल्स और चिन्ह हैं। नाचते हुए शिव और पांच योगी। दक्षिणी प्रवेश द्वार एक बलुआ पत्थर की मूर्ति द्वारा संरक्षित है। मुख्य टावर के अलावा परिसर में अन्य इमारतें भी हैं। टावर के उत्तर पूर्व में 10वीं शताब्दी में निर्मित दो ईंट अभयारण्य, एक पवित्र छवि के लिए बलुआ पत्थर की वेदी के साथ टॉवर के दक्षिण पश्चिम में छोटा अभयारण्य,